अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद असद अली है और इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंसेस रिटन बाय फ्रैंक एस बटनिक का चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। इसमें फर्स्ट डिग्री इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात की गई है। देखिए, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इक्वेशन किसे कहते हैं। इक्वेशन का मतलब ये होता है कि दो वैल्यूज़ या दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस इक्वल हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ कि x इज़ इक्वल टू 5 तो ये एक इक्वेशन है। अगर मैं कहता हूँ कि x प्लस 3 तो फिर ये इक्वेशन नहीं बल्कि ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन है। एंड x इज़ इक्वल टू 5 एक इक्वेशन है। और अगर मैं कह दूँ कि x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 10 तो ये भी एक इक्वेशन ही कहलाएगी। राइट जी, तो दी अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस मे बी स्टेटेड इन द टर्म्स ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स। इसमें एक वेरिएबल भी हो सकता है इक्वेशन में, एक से ज़्यादा ही वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल 2 में आपको आर, एस एंड टी तीन वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वेरिएबल्स जो भी हों उनकी पावर 1 हो, उनकी पावर 2 भी हो सकती है, जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। पावर 3 भी हो सकती है। और बेसिकली किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर को या वेरिएबल्स के प्रोडक्ट से जो हाईएस्ट पावर आ रही होती है उसे हम डिग्री ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं। इसमें हम डिटेल पर डिस्कशन आगे करेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमें सीखना है कि इक्वेशन को सॉल्व किस तरह किया जाता है। याद रखिएगा, जब भी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन की बात की जाए तो इससे मुराद ये होता है कि इसमें जो भी वेरिएबल यूज़ किया जा रहा है आपको उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी कोई ऐसी वैल्यू बतानी है जो इक्वेशन में x को या जो भी वेरिएबल है उसको रिप्लेस करके दोनों साइड्स को सेटिस्फाई कर दे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखता हूँ x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 8, इसका मतलब x पर ऐसी कौन सी वैल्यू लिखी जाए कि उसमें 5 प्लस करें तो 8 आ जाए, और वो यकीनन 3 होती है। तो 3 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 8 होता है, तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू 3 है। तो ये एक इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, इक्वेशन का मतलब कि दो एक्सप्रेशंस इक्वल हैं, समझ लीजिए कि ये एक बैलेंस है जिसमें दोनों तरफ कुछ वेट है। और अगर हम यहाँ देखें तो x प्लस 5 है और दूसरी तरफ 8 है और ये दोनों बराबर हैं। अब अगर मुझे सिर्फ यहाँ पर x को अकेले छोड़ना है तो ऑब्वियसली दोनों तरफ से 5 kg, या ये अगर हम इसे kg अज्यूम करें तो दोनों तरफ से 5 kg का वेट कम करना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस रहे। अगर मैं यहाँ से सिर्फ 5 kg कम कर दूँ और वहाँ ना करूँ तो फिर ये बैलेंस नहीं होगा। तो हम यहाँ से भी 5 kg रिमूव कर रहे हैं और दूसरी तरफ से भी 5 kg रिमूव कर रहे हैं, तब ये इक्वल रहेंगे। तो ये प्लस 5 माइनस 5 कैंसिल होकर हमारे पास सिर्फ x बचेगा और यहाँ सिर्फ 3 बचेगा। यानी आसान अल्फाज में हम शॉर्टकट वे इसका आमतौर पर ये सीखते हैं जो छोटी क्लासेस से सीखते आते हैं कि अगर यहाँ इक्वल टू का साइन है, 5 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस 5 नेगेटिव 5 हो जाएगा। ऑल्टरनेट वे इसका ये होता है, लेकिन एक्चुअल में यही हो रहा होता है कि हम बोथ साइड 5 माइनस कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 10 और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ से 3 को माइनस 3 को ख़त्म किया जाएगा, मीन्स दोनों साइड पर 3 ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पर प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल होकर x बचेगा और यहाँ 13 बचेगा, तो x इज़ इक्वल टू 13 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऑल्टरनेटिवली हम इसे यूँ भी पढ़ते हैं, आमतौर पर छोटी क्लासेस में हमें सिखाया जाता है कि माइनस 3 को जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा और 10 प्लस 3 13 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से भी किया जाए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, तो इसके लिए हम एक जनरल रूल्स बना लेते हैं, उन्हीं से शॉर्टकट वे हम बना लेते हैं कि अगर कोई वैल्यू इक्वेशन में एक तरफ ऐड हो रही हो, आप उसे दूसरी तरफ सब शिफ्ट करते हैं तो वो माइनस हो जाती है। इसी तरह अगर इक्वल से पहले माइनस हो, उसे इक्वल टू के राइट पर शिफ्ट करें तो वो प्लस हो जाता है। कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो इक्वल टू के दूसरी तरफ शिफ्ट होकर वो डिवाइड होती है। लेकिन याद रखिएगा, वो मल्टीप्लाई सबके साथ हो रही हो। अगर सिर्फ 5x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 10 लिखा हुआ है और मैं ये सोचूं कि 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे दूसरी तरफ जाकर डिवाइड किया जाए और x प्लस 9 इज़ इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5 लिखा जाए, तो ये गलत होगा। जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है वो पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर ये इस तरह की सिचुएशन होती तब ये करेक्ट हो जाता। राइट जी, और इसी तरह डिवीज़न अगर कोई हो रही हो, उसे आप दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाती है। और इसके लिए भी वही रूल है कि अगर x अपॉन 5 प्लस 9 इज़ इक्वल टू 10 लिखा है और आप 5 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें और लिखें 10 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये गलत होगा क्योंकि 5 सिर्फ x से डिवाइड हो रहा है, सबसे डिवाइड नहीं हो रहा। आपको अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि x प्लस 9 डिवाइडेड बाई 5 इज़ इक्वल टू 10,
तब आप 5 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर इसे आप इस तरह की सिचुएशन में लाना चाहते हैं तो उसके लिए तरीकेकार ये होगा कि इसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 है, तो आप किसी भी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। तो आप इसे x अपॉन 5 रहने दीजिए और इस 9 अपॉन 1 को 5 से मल्टीप्लाई भी कीजिए और डिवाइड भी कीजिए, तो x अपॉन 5 प्लस 40, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई 5 45 होता है, अपॉन 5 इज इक्वल टू 10 बन जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आप 5 लिखेंगे और x प्लस 45 इज इक्वल टू 10 लिखेंगे और फिर 5 को दूसरी तरफ शिफ्ट करके आप इसका प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। काफ़ी लोग इसे LCM के मेथड से भी सॉल्व करते हैं तो भी ठीक है, तब भी आपका आंसर यही आएगा। खैर, हम फॉर्मली कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ताकि मज़ीद हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। फॉर एग्जांपल, मैं सेक्शन 1.1 फॉलो अप एक्सरसाइज का पहला सवाल सॉल्व करता हूँ, वो है x प्लस 5 इक्वल्स 2x माइनस 8। अब हम x को एक तरफ शिफ्ट करेंगे और कांस्टेंट वैल्यूज़ को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, प्लस 2 को इस तरफ शिफ्ट किया जाएगा माइनस 2 हो जाएगा और माइनस 5 को दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। तो याद रहे ये शॉर्टकट है, एक्चुअली मैथमेटिकल प्रोसेस ये होता है कि हमने फर्स्ट स्टेप में माइनस 2x को बोथ साइड माइनस किया है और सेकेंड स्टेप में हमने प्लस 5 दोनों तरफ ऐड किया है। खैर, x माइनस 2x करेंगे तो माइनस का x आंसर आएगा हमारे पास एंड माइनस 8 प्लस 5 इज़ नेगेटिव 3। अब माइनस एक्स को वहाँ शिफ्ट करेंगे प्लस एक्स और प्लस 3 को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे प्लस 3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 आंसर हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि हमने बोथ साइड्स को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया है तो x इज इक्वल टू 3 हमारा आंसर आ चुका है। कोई और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 2 ब्रैकेट x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट x प्लस 4। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 6, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब हम x को एक तरफ शिफ्ट करेंगे और कांस्टेंट वैल्यूज़ को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, यानी माइनस 6 प्लस 6 हो जाएगा और प्लस 12 प्लस 3x माइनस 3x हो जाएगा, 2x माइनस 3x माइनस का x बनता है और 12 प्लस 6 18 बनता है। दोनों साइड को माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे या फिर हम माइनस को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो माइनस 18 हो जाएगा, तो हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 18 आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इस स्लाइड में हमारे पास 1 से लेकर 12 तक तकरीबन आसान सवाल हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन 14 की तरफ अगर हम आएँ, क्वेश्चन 14 में आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर्स में कुछ नंबर्स मौजूद हैं, मीन्स फ्रैक्शंस मौजूद हैं और हमें उससे वेरिएबल सॉल्व करके आंसर्स निकालने हैं। तो क्वेश्चन 14 को सॉल्व करते हैं, x अपॉन 6 माइनस 5 इज इक्वल टू x अपॉन 2 माइनस 7। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं या फिर हम यूँ भी कर सकते हैं कि x वाली वैल्यूज़ को एक तरफ और कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो x अपॉन 2 पॉजिटिव है, इस तरफ हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पर तो नेगेटिव हो जाएगा और माइनस 5 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस 5 हो जाएगा। अब इनका 6 और 2 का LCM लेना चाहें तो भी ठीक है, या फिर आप x अपॉन 2 को 3 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी ठीक है। तो x अपॉन 6 माइनस 3x अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस 2, LCM का आंसर 6 आएगा। x माइनस 3x आप लिखेंगे न्यूमरेटर में और माइनस 2, अब 6 क्योंकि सबसे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो सकता है और x माइनस 2x x माइनस 3x माइनस 2x बनेगा एंड माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो यहाँ माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का 12, माइनस 2 को दूसरी तरफ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू 6 आंसर आ जाएगा। आंसर जब आपके पास आ जाए तो उसको वेरीफाई करने का तरीक़ेकार ये भी है कि आप वही x की वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपकी दोनों साइड्स इक्वल आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी वेरिफिकेशन करके दिखाता हूँ, x का आंसर 6 आया तो यहाँ पर मैं x की जगह पर 6 लिखूँगा, तो 6 अपॉन 6 माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ भी x की जगह पर 6 लिखा जाएगा, 6 अपॉन 2 माइनस 7। 6 अपॉन 6 1 होता है एंड 6 अपॉन 2 3 होता है, 1 में से माइनस 5 करेंगे तो माइनस 4 आएगा और 3 में से माइनस 7 करेंगे तो भी माइनस 4 आएगा। दोनों साइड्स इक्वल हो रही हैं, इसका मतलब हमारा आंसर वेरीफाई हो चुका है और हमारा आंसर करेक्ट है। किसी और क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन 24 को करते हैं।
क्वेश्चन 24 में 3 ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 4 इंटू 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 ब्रैकेट एक्स प्लस 1। 3 को पहले ब्रैकेट सॉल्व किए जाएंगे तो 3 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 6 और प्लस माइनस माइनस होता है, 4 टू आर 8 एंड प्लस माइनस माइनस, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, एक्स प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई किया जाएगा 2x और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2। अब 3x माइनस 6 एंड प्लस 8, तो हम यहाँ ये भी कर सकते थे कि हम पहले x वाली वैल्यू से सॉल्व कर लें, 3x माइनस 4x इज माइनस x एंड माइनस 6 प्लस 8 इज प्लस 2। इसी तरह यहाँ पर x प्लस 2x 3x बन जाएगा एंड प्लस 2, 3x को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा और 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस 4x इज इक्वल टू 0, माइनस 4 को 0 से डिवाइड किया जाएगा तो 0 ही हमारे पास आंसर आएगा क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0। तो हम आंसर को वेरीफाई भी कर लेते हैं, 3x की जगह पर 0 माइनस 2 प्लस 4 2 माइनस x की जगह पर 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1। तो 3 इंटू 0 माइनस 2 माइनस 2 होता है प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 0 प्लस यहाँ पर 2 बचेगा क्योंकि 0 प्लस 1 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 होता है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 माइनस 6 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 एंड माइनस 6 प्लस 8 बिल्कुल 2 होता है एंड 2 इज इक्वल टू, हमारा आंसर वेरीफाई हो चुका है, इसका मतलब हमने बिल्कुल करेक्ट सॉल्व किया है। उसके बाद हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन के क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या होती है। सेकंड डिग्री इक्वेशन से मुराद के आपके वेरिएबल की पावर 2 है या फिर दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इक्वेशन में और उनकी पावर ऐड होकर 2 बन जाएगी। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपकी स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल मौजूद है, मैं अलग से एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं x की हाईएस्ट पावर 2 है तो ये एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। 3x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर भी x की हाईएस्ट पावर 2 है। x प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ पर भी x की पावर 2 है तो ये भी एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। x प्लस 4xy, यहाँ पर भी वैसे तो ये x की पावर 1 है और ये पावर 1 है तो जब मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम डिग्री फाइंड आउट करने के लिए पावर्स को ऐड करते हैं तो 1 प्लस 1 2 होता है। तो डिग्री फाइंड आउट करने के लिए हम ये कहेंगे कि ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ठीक है जी। वैसे जब मल्टीप्लाई होते हैं x x से ही मल्टीप्लाई होता है तब हम पावर्स को ऐड करते हैं, वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन डिग्री फाइंड आउट करने के लिए अगर दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी डिग्रीज़ को ऐड किया जाता है, मीन्स पावर को ऐड किया जाता है। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास 3x स्क्वायर y प्लस 4x स्क्वायर y क्यूब इज इक्वल टू 5 हो तो इसमें इसकी डिग्री 5 कहलाएगी क्योंकि यहाँ पर 2 और ये 1, यहाँ पर डिग्री 3 है और यहाँ पर 2 प्लस 1 5 है तो ये 5 डिग्री इक्वेशन कहलाएगी। तो ऐसी 2 डिग्री इक्वेशन हो जिसमें एक सिंगल वेरिएबल हो, आई रिपीट, सेकंड डिग्री इक्वेशन हो जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, x भी हो सकता है कोई और वेरिएबल भी हो सकता है, तो ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि सेकंड डिग्री इक्वेशन है और इसमें एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है, आपको कोई और वेरिएबल x के साथ y या z या एक नज़र नहीं आ रहा, तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। इसमें x स्क्वायर का जो कोफिशेंट हो उसे हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, जो x का कोफिशेंट हो उसे b से रिप्रेजेंट करते हैं और जो कांस्टेंट नंबर हो उसे c से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म्स की, जनरल फॉर्म्स की ये होती है कि आप एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पर रखें और ज़ीरो दूसरी तरफ रखा जाए। इसमें एक और बात याद रखिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन भी यही होती है, एनी इक्वेशन ऑफ फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेयर ए कैन नेवर बी ज़ीरो, ए कभी ज़ीरो नहीं हो सकता।
क्योंकि ए अगर ज़ीरो हो जाएगा तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर ये पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, और जब ज़ीरो हो जाएगी तो एक्स स्क्वायर ही सवाल में मौजूद नहीं रहेगा, तो ऐसी इक्वेशन में सिर्फ एक्स होगा और वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। अलबत्ता बी ज़ीरो हो सकता है और सी ज़ीरो भी हो सकता है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इक्वेशन फोर एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू ज़ीरो लिखा हो तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर लिखा हो तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स लिखा हो तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। यानी यहाँ पर बी और सी दोनों नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सी है, यहाँ पर सिर्फ बी है। लेकिन अगर थ्री एक्स प्लस फोर सिर्फ लिखा हो और एक्स स्क्वायर ना हो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। अच्छा, जब हमने ये समझ लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है तो फिर हमें ये भी समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो इस बुक की बाउंड्री में रहते हुए अगर हम बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड बताए गए हैं। पहला मेथड बताया गया है फैक्टराइजेशन, और दूसरा मेथड बताया गया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन से मुराद ये है कि आपको अगर ये एडिशन फॉर्म में दिए हुए हैं तो आप इसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे, और इक्वल टू ज़ीरो जब आ जाएगा तो नल फैक्टर लॉ अप्लाई करेंगे। इसे डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। और क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपके पास ए बी सी को आइडेंटिफाई करना होगा, और एक क्वाड्रेटिक फार्मूले में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। हम बारी बारी दोनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1.2 हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो अब हमारे पास 1.2 में जो पहला सवाल है वह है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें आपने ये करना होता है कि आप इसकी मिडिल वैल्यू को इस तरह ब्रेक करते हैं कि जब उसे ऐड किया जाए या सॉल्व किया जाए तो दोबारा मिडिल वैल्यू हमें मिल जाए, लेकिन जब मल्टीप्लाई किया जाए तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ के प्रोडक्ट के इक्वल हो। एक एग्जाम्पल से करते हैं। यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू माइनस सिक्स है, तो अगर हम 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 6 आंसर मिलता है। तो हमें 6 के ऐसे फैक्टर्स बताने हैं कि जिनको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 1 बन जाए, क्योंकि मिड में 1 लिखा हुआ है, और मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 ही बने। तो 1 मल्टीप्लाई 6 की अगर हम बात करें तो 1 मल्टीप्लाई 6 6 होता है, लेकिन जब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 मिलेगा, तो लिहाजा ये दो फैक्टर हमारे काम के नहीं हैं। इसके अलावा 6 2 मल्टीप्लाई बाई 3 से भी आता है, और जब हम 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करें मीन्स 3 माइनस 2 करें तो 1 मिल जाएगा, तो मीन्स हम ये फैक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो इसे 1 को हम ब्रेक करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप वेरीफाई करें, 3x माइनस 2x करेंगे तो दोबारा आपको x मिल जाएगा, और 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 1 मल्टीप्लाई माइनस 6 यानी माइनस 6 मिल जाएगा। अब जब आपके पास ये चार वैल्यूज़ बन चुकी हैं तो आप पहले पेयर से एक कॉमन फाइंड आउट करेंगे जो कि x है हमारे पास, और जब एक्स स्क्वायर से x कॉमन निकलेगा तो x बचेगा, और 3x में से x कॉमन निकलेगा तो 3 बचेगा। और आप वेरीफाई करना चाहें तो इनको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही चीज़ मिल जाएगी, x मल्टीप्लाई बाई एक्स एक्स स्क्वायर होता है, एंड x मल्टीप्लाई बाई 3 3x होता है। इन दोनों में कॉमन माइनस 2 है। अब माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x बनेगा, और माइनस 2 को प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 बनेगा। अब यहाँ पर ये x प्लस 3 का ब्रैकेट रिपीट हो रहा है तो हम इसे कॉमन निकाल लेते हैं। जब x प्लस 3 कॉमन निकाला तो यहाँ पर x बचेगा और दूसरी तरफ 2 बचेगा। अब ये दो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 आ रहे हैं। हमारे पास एक लॉ होता है जिसे हम कहते हैं नल फैक्टर लॉ। इससे मुराद ये है, या नल फैक्टर थ्योरम, इससे मुराद ये है कि अगर दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर हो, यानी फॉर ए मल्टीप्लाई बाई बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका मतलब ए या बी दोनों में से कोई एक ज़ीरो ज़रूर होगा। और बिल्कुल क्लियर बात है, दुनिया का कोई ऐसे नंबर दो नहीं है जिन्हें आप मल्टीप्लाई करें ज़ीरो आ जाए, सिवाय ज़ीरो के। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सपोज़ कर रहा हूँ कि ये 3 है तो लाजमी ये 0 होगा, तभी 3 मल्टीप्लाई बाई 0 0 होगा। यहाँ पर मैं दुनिया जहान का कोई भी नंबर सोच लूँ, यहाँ 0 फिर लाजमी रखना पड़ेगा अगर 0 के अलावा कोई और नंबर सोचता है। तो इसी लॉ को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि अगर इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि x प्लस 3 भी 0 के इक्वल होगा, या फिर x माइनस 2 0 के इक्वल होगा।
जब x प्लस थ्री जीरो के इक्वल है तो इस x थ्री को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस थ्री आ जाएगा, और x इज माइनस टू इज इक्वल टू जीरो है, माइनस टू को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू टू आ जाएगा। ये हम पहला सवाल सॉल्व कर चुके हैं, इसमें x की दो वैल्यूज़ आई हैं। याद रखिएगा जितनी पावर की डिग्री होती है उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ आंसर्स पॉसिबल होते हैं। इसमें हमारे पास x की पावर 2 है तो इसलिए हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पॉसिबल आंसर्स 2 हैं, यानी x के दो आंसर आएंगे। एक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, लेकिन इस वक्त हमारे लिए दो आंसर मैक्सिमम होंगे। दो से ज़्यादा आंसर पॉसिबल नहीं है, तीन आंसर्स नहीं हो सकते x के। अच्छा, अब इसी तरह एक और सवाल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें x की दो ऐसी वैल्यूज़ चाहिए कि जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें, जैसे यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 1 है तो 1 आए और ऐड करें तो 2 बन जाए, तो वो इटसेल्फ ये दो वैल्यूज़ हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आपके ध्यान में ये सवाल हो सकता है आया हो कि इस वक्त हमने प्लस करके मिडिल वैल्यू बनाई है, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 में माइनस करके मिडिल वैल्यू बनाई थी। तो उसका रीज़न ये था कि अगर इन शुरू की दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके नेगेटिव आंसर आए तो माइनस करके मिडिल वैल्यू बनेगी, और अगर इन दो वैल्यूज़ को प्लस मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आंसर आए तो प्लस करके मिडिल वैल्यू बनेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1 था और ये माइनस 6 था, तो 1 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 आंसर आएगा। तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि जो मिडिल वैल्यू ब्रेक होगी वो दो वैल्यूज़ को माइनस करके आनी चाहिए, प्लस करके नहीं आनी चाहिए। बहरहाल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में से अगर आप x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस वन बचेगा, और आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जब x को x से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो एक्स स्क्वायर, और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप कह सकते हैं कि 1 कॉमन है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज सेम इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर x प्लस वन एंड x प्लस वन, तो ऐसी सूरत में हम x प्लस नल फैक्टर लॉ अप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है तो हम x इज इक्वल टू माइनस वन कहेंगे। तो हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल आंसर 2 होते हैं, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल होता है, मिनिमम एक भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, तो इस वक्त हमारे पास एक ही आंसर आया है। ये वैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्व हो सकता था, लेकिन क्योंकि हम पे फैक्टराइजेशन की कैद लगाई गई है तो इसलिए हमने फैक्टराइजेशन के तरीके से ही इसे सॉल्व किया है। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर हमें फर्स्ट वैल्यू के कोफिशियंट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट वैल्यू का कोफिशियंट 1 है, लास्ट वैल्यू का माइनस टेन, ठीक है, 10 आंसर आता है। अब क्योंकि यह माइनस है तो हमें ऐसी दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है जिनको माइनस करके 3 बने और मल्टीप्लाई करके 10 बने, तो वो 2 और 5 हैं। अगर 2 को और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही बनेगा, और अगर 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 बनेगा। लेकिन साइन की भी हमें साइन का भी ख्याल रखना पड़ेगा, वो हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ सीखते हैं। एक्स स्क्वायर, और हमने कहा कि 5x में से 2x माइनस करेंगे तो 3x आएगा। अब क्योंकि ये माइनस 3x है तो अंडरस्टूड है कि 2 पॉजिटिव होगा और 5 नेगेटिव होगा, ताकि माइनस 5 और प्लस 2 करें तब माइनस 3 बने। अब इन दोनों में x कॉमन निकालेंगे हम, तो यहाँ x और यहाँ माइनस 5 बचेगा। इसी तरह यहाँ पर इन दोनों से 2 कॉमन निकाला जाएगा, तो x माइनस 5 दोबारा से बचेगा, और ये दो ब्रैकेट आमतौर पर सेम ही आते हैं, लाजमी आने चाहिए। ब्रैकेट x माइनस 5 हमने यहाँ कॉमन ले लिया, और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, नल फैक्टर लॉ अप्लाई करेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2, ये दो हमारे आंसर्स आ गए यहाँ पर। बाकी सारे सवालात भी इसी तरह सॉल्व किए जाएंगे, उम्मीद है आप सॉल्व करेंगे, और इन केस किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लाजमी पूछ लीजिएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस है, सॉल्व दी फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग दी क्वाड्रेटिक फार्मूला। याद रखिए किसी भी इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर रहे हैं, अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो आप फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, और अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन पॉसिबल है फिर भी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं, इसमें कोई कैद नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन 17 को हम पहले करते हैं। क्वेश्चन 17 में हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू ज़ीरो।
अगर मैं इसे कंपेयर करूँ जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, बी की वैल्यू 8 है और सी की वैल्यू 12 है। हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, माइनस बी की जगह बी की वैल्यू 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर 1 पुट करेंगे और सी की जगह पर 12 पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 और ए की जगह पर 1 पुट करेंगे। सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर 64 होता है, माइनस प्लस माइनस एंड ये माइनस ही आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 4 × 4 = 48 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट स्टेप हम ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 8 प्लस माइनस 64 में से 48 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, 64 माइनस 48 इज 16 डिवाइडेड बाय 2। माइनस 8 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, डिवाइडेड बाय 2। अब प्लस माइनस से मुराद ये है कि एक बार माइनस में लिखा जाएगा और एक बार प्लस में लिखा जाएगा, इसके दो आंसर्स होंगे। माइनस 8 एंड माइनस 4 माइनस 12 होता है, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 6। इसी तरह माइनस 8 एंड प्लस 4 माइनस 4 होता है, माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 इज माइनस 2। तो हमारे पास x के दो आंसर्स आ चुके हैं, x इज इक्वल टू माइनस 6 और x इज इक्वल टू माइनस 2। और बिल्कुल जिस तरह हमने लीनियर इक्वेशंस को सेटिस्फाई किया था, वेरीफाई किया था, आप यहाँ भी कर सकते हैं। x की जो भी दो आंसर्स आए हैं, दोनों में से कोई भी एक आंसर अगर आप इक्वेशन में पुट करें, दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। मीन्स अगर आप क्वेश्चन नंबर 17 में x की वैल्यू माइनस 6 पुट करते हैं तो भी इक्वल टू जीरो आ जाएगा, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी जीरो आ जाएगा, और अगर माइनस 2 सब्सटीट्यूट करते हैं तब भी आपका आंसर ज़ीरो आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक और ऐसा क्वेश्चन चूज़ करते हैं जिसमें नेगेटिव वैल्यूज़ भी हों, 23 चूज़ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर इसे हम कंपेयर करें जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, इसमें ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 3 है एंड सी की वैल्यू माइनस 4 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, बी की वैल्यू 3 से रिप्लेस होगी, ए को 1 से रिप्लेस करेंगे, बी को सी को माइनस 4 से, और ए को 1 से रिप्लेस करेंगे, माइनस 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस माइनस प्लस 4 × 4 = 16 डिवाइडेड बाय 2। माइनस 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 25 डिवाइडेड बाय 2। माइनस 9 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। अब हम इसे दो तरीके से सॉल्व करेंगे, मींस दो सिचुएशन से सॉल्व करेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 और x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। माइनस 9 एंड माइनस 5 माइनस का 14 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 7 आंसर आता है। इसी तरीके से माइनस 9 प्लस 5 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 2
माइनस टू आंसर आता है। तो इस तरह से हमारे पास x के दो आंसर्स आए, x इज इक्वल टू, ये इक्वल है x इज इक्वल टू माइनस सेवन एंड x इज इक्वल टू माइनस टू। उम्मीद है आपको ये सवाल आज समझ आ चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।